जीवन में क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए और त्याग भी चाहिए। क्या चाहिए मेरी माँ? त्याग, वैराग्य। आज के लोगों के अंदर ना त्याग बिल्कुल नहीं है। बताओ त्याग है? मैया, आज के आदमी के अंदर ना, आज के लोगों के अंदर त्याग नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। त्याग नहीं है। गृहस्थों की कौन कहे आज तो विरक्तों के अंदर भी त्याग नहीं है। जो विरक्त ही है उनके अंदर भी त्याग नहीं है। हाँ या ना? तो त्याग की कमी है आजकल। त्याग बहुत कठिन हो रहा है। इसलिए आप लोग थोड़ा ना त्याग रखो। भक्ति भी हो आपके अंदर, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। वैराग्य मीन्स ज्यादा अटैचमेंट ना रखो घर परिवार से। पत्नी, अब तुम बूढ़े हो गए, बाल बाल पक गए, अब तो बालों ने भी रंग बदल दिया, अब तुम भी तो अपने रंग बदलो। अब तो रंग बदलो अपने, धीरे धीरे मन हटाओ। अब बेटा बड़ा हो गया, पत्नी समझदार है, बेटा बड़ा पत्नी। कुछ लोगों की तो पत्नी चली भी गई। अब पत्नी चली गई तो तुम तो फुर्सत हो गए, बेटा विवाह गया, बेटी सब सेटल है, अब अपना भजन में लगो। श्री नामदेव जी, श्री नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक संत हुए हैं श्री नरसिंह जी, नरसिंह मेहता। जब नरसिंह मेहता, एक नरसिंह जी नाम के भक्त थे, बचपन से ही वो बोलते नहीं थे, गूंगा और बहरे दोनों थे। उनकी जो दादी थी ना, ले जाया करती थी रोज मंदिर, साधु संतों के पांव पड़वाती और बोलती है, महाराज बच्चे को आशीर्वाद दो, कृपा करो ये कुछ बोलने लग जाए, कुछ सुनने लग जाए। एक संत जी के पास गई तो संत जी बड़े अच्छे संत थे, भगवान शंकर के स्वरूप माने जाते हैं। उन्होंने कहा, तेरा बेटा बोलेगा भी और सुनेगा भी, महाराज बुलवाओ। तो संत जी ने बच्चे को बुलाया और कान में बोला, बोलो राधे श्याम। तो नरसिंह जी ने बोला राधे श्याम। मैया खुश हो गई, दादी अरे महाराज सुना बोला, सुना बोला। नाचवे लग गई, बाबा जी तो काम कर गए, अब तो नाच नाच के भैया को छोरा को लेके नाचवे लगी। दादी, नरसिंह जी के माँ बाप थे नहीं, बड़े भाई थे और दादी थी, माँ बाप गुजर गए। अब दादी का बुढ़ापा छा, दादी को लगा मैं मर जाऊंगी तो नरसिंह का विवाह करा दूं। तो उन्होंने एक बढ़िया सी दुल्हन ले आई और नरसिंह जी का विवाह कराया। अब नरसिंह जी का विवाह तो हो गया, पर नरसिंह जी कुछ कमाते तो थे नहीं, बड़े भाई नौकरी करते थे, तो बड़े भाई लाते थे कमा कर, तो भौजाई ताने मार कर ले। नरसिंह जी बोले एक दिन भाभी से, भाभी जी थोड़ी गर्म गर्म रोटी दे दो। हाँ हाँ, तुम्हारा बाप ही तो कमा के रखता है, गरम गरम रोटी दे दो, कमाते धमाते हो नहीं, बस पड़े पड़े खाते हो। लो भैया, ताने इतने मारे, इतना अपमान किया नरसिंह जी का कि नरसिंह जी को लगा बात तो सही है, मैं कुछ करता धरता तो हूं नहीं। तो नरसिंह जी निकल गए घर से। अच्छा, नरसिंह जी एक ही काम करते थे बस, सवेरे से शाम तक राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, केवल राधे कृष्ण का जाप। नरसिंह जी घर छोड़कर जंगल में चले और एक शिव जी का मंदिर था भरे जंगल में, कोई नहीं दूर दूर तक। नरसिंह जी वहां शिवलिंग पर अपना माथा टिका कर लेट गए, थके थे तो सो गए, मूर्छित हो गए। और जब सोए ना गहरी नींद में, तो वहां से शंकर जी जब गुजरे तो शंकर जी ने देखा कि मेरा कोई भक्त पड़ा है। तो शंकर जी प्रकट हो गए, अरे बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? उस बच्चे ने कहा, हे भोलेनाथ कुछ ना चाहिए,
शंकर जी ने कहा बर मांग लो कुछ। तब नरसी जी ने कहा बाबा मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। बाबा शंकर जी से क्या मांगा नरसी जी ने? मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे प्रभु हमें कुछ ना चाहिए, केवल राधा कृष्ण का हमें दर्शन करा दो। शंकर जी बोले ये दर्शन तो बड़ा अनमोल है, पर तुमने मेरी भक्ति की। चलो शंकर जी ले गए नरसी जी को और रास में सम्मिलित कर दिया। भगवान कृष्ण उस समय रास रचा रहे थे, अपनी नित्य लीला कर रहे थे और श्री नरसी जी ने उस रास का दर्शन किया और भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। भगवान ने नरसी जी से कहा जाओ, अब जहां से आए हो तुम वहीं जाओ और मेरी लीलाओं का गुणगान करो। जाओ अब नरसी जी आए और खूब लीलाओं का गुणगान, खूब भगवान का भजन किया।